हाडी ये तो सर, मैंने सारे कलीग से कुछ फूल ले लिए, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मिस मीनू ही, मैं चलता हूँ। तुम पहले यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए। मतलब तुमने मेरे इतने प्यारे फूल ऐसे बांट क्यों दिए सबके साथ? मुझे फ्लावर्स नहीं पसंद। सभी औरतों को फूल पसंद होते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मुझे उनसे एलर्जी है, नहीं पसंद। तुम्हें क्या पसंद है फिर, अगली बार वो भेजूंगा। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे शांति पसंद है, जहाँ पर काम करते समय कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसलिए आप मेरे ऑफिस में मेरी परमिशन लिए बिना नहीं आ सकते। क्या इसका मतलब है मैं घर कभी भी जा सकता हूँ तुम्हारे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे शानचान को पिकअप करना, पहले मुझे रिक्वेस्ट करो, अगर मैं अप्रूव करती हूँ तो फिर ठीक है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों नहीं कर सकती, मुझे तो लगता है यही इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम्हारी ये जो सारी बचकानी हरकतें हैं, वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है फिर, अब जैसा तुम चाहो। वैसे अब दोपहर हो गए, लंच खाने चले? मैं काम कर रही हूँ। मैं रुकने को तैयार हूँ। मैं अपने क्लाइंट से काम के बाद नहीं मिलती हूँ, आप तो इस बात को अच्छे से जानते हो ना। ठीक है, कभी तो चलोगी मेरे साथ? रुको। क्या पछतावा हो रहा तुम्हें? इसे प्लीज आप अपने साथ ले जाओ, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही चाहिए इसे। वहां देखो, वो दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें? हाँ वो बहुत हैंडसम है, हम उन्हें वीचैट पे ऐड करें? हाँ जाके ऐड कर दो। नहीं तुम जाओ। हाँ हैंडसम लड़को, हमारे साथ कुछ गेम खेलना चाहोगे? माफ करना। तुमने जो जो सिखाया उसमें से एक भी तरकीब काम नहीं आई, मिनहुई पर तो कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी मदद की है, तुम उसे देख तो सकते हो। चाउमू ने तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसे मिलने का कोई चांस भी नहीं है। जाजुन, मुझे सच में लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रैटेजी बुक है तुम्हारे लिए। दबंग सीईओ को मुझसे प्यार हो गया, ये क्या है? देखो, हार्डी ने इस बुक को पर्सनली वेरीफाई किया है, इनकी स्ट्रैटेजीज काउ जैसी औरतों पर काम करती हैं। आई एम श्योर कुछ जरूर होगा। पर मैं तो दबंग भी नहीं और सीईओ भी नहीं, अब मैं क्या करूं? तुम्हें मिस काउ चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजीज यूज करो। ठीक है शिंची, मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। चाहू ने बताया था लड़कियों को सिक्स पैक्स वाले बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। ये काउ ने कहा तुमसे? उसने कहा इसलिए नहीं, मैंने भी देखा है, ये काम करता है, मेरी गारंटी है। सच कह रहे हो? वैसे भी हमें मिनहुई को बस ये दिखाना है कि तुम एक मैच्योर मैन और चार्मिंग हो। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे अपने घर में भी आने नहीं देती।
मैं करूं तो क्या करूं? पर ये सच नहीं है। शानचैन, मिन्हुई, तुम बहुत स्लो हो। मुझे अंकल चेन ने स्विमिंग सिखा दिया है। ओ, तुमने उन्हें सिखाने के लिए कहा? लेकिन उनकी कोचिंग फीस तो काफी हाई है, तुम कैसे भरोगे? मेरे पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या मैं उन्हें ऐसे पे कर सकता हूँ? अच्छा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शानचैन कब से स्विमिंग सीखना चाहता था और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बिजी रहती हो। चुआनचुआन को फिर से स्विमिंग करना है तो मुझे बताना, मैं उसे लेके आऊंगा। थैंक यू। इसके लिए जाजुन को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। अब तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे वो मैं और शिंशी एक साथ खाना खाने वाले थे, तो मैंने उसे बताया कि चुआनचुआन को स्विमिंग सिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था वो यहाँ आएगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे मुझे याद है, मुझे और एक क्लास है। मुझे लगता है शिंशी चुआनचुआन को स्विमिंग सिखाएगा, वो अच्छा स्विमर है। हाँ कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ अपना काम करो। आप तो मिस्टर शीन हो ना, सबको अपनी तरफ कर लेते हो। अरे देखो, मैं तो बस ऐसे ही आ गया यहाँ पर, ये वीकली विजिट करके काउंट नहीं होता। बेटे मैंने सही कहा ना? हाँ। शिनची, जल्दी आओ और स्विमिंग सिखाओ भी। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, चलो अभी जल्दी से जाओ। हाँ हाँ जरूर। हाँ संभल कर, कैसा लग रहा है? ये बहुत मजेदार है। सब तुम्हारे अंकल की गलती है, बकवास आइडिया। हेलो। हेलो मिस चाओ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि आपकी कार अनलॉक है, आप नीचे जाके चेक कीजिए। क्या? ठीक है, थैंक यू। मेरी कार तो लॉक्ड है। मैनेजमेंट ऑफिस को तुमने कॉल किया था? गर्दन में प्रॉब्लम है? हट जाओ शिनचैजुन। ए लड़की, अब तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसी बकवास चीजें करना कहां से सीखे? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम दोनों एक साथ है। शिनचैजुन, मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, जल्दी यहाँ से हट जाओ। 3, 2। पर मैंने मना किया तो? मिस, आपको मदद चाहिए? नहीं, वो मैं तो अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मुझे पता था ये मेरे लिए नहीं था। थैंक यू। हाँ। वो अभी भी उतना ही क्यूट लगता है। चाओ मो, भूल जाओ, भूल जाओ उसके बारे में, भूल जाओ। बकवास आइडिया था, इसे फोकट में भाड़े पे लिया।
शिंची की नहीं सुननी चाहिए थी। क्या बकवास बुक है ये, बहुत ही घटिया आइडिया था। पता नहीं उसका क्या चल रहा होगा। और मारो, तेज मारो, तेज मारो। शैनशैन, जाकर मिनहुई को हमारे साथ आके स्विम करने को कहो। जाओ। मिनहुई, हमारे साथ खेलने आ जाओ ना। वहाँ तुम्हारे साथ शिंची है ना, जाओ उसके साथ खेलो। शैनशैन उसे देखो, वो कैसे स्विमिंग कर रहा है। शायद प्रोफेशनल लगता है। शिंची, शिंची, मिनहुई उस आदमी को देख रही है। हा? वैसे भी हमें मिनहुई को बस ये दिखाना है कि तुम एक मैच्योर मैन और चार्मिंग हो। मैं उससे बेटर स्विम करके बताऊंगा। अच्छे से करना, ठीक है? परोमा, चलो शिंची, चलो। शिंची बहन, क्या तुम ठीक हो? शिंची, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है शिंची? मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो। शिंची, अब हम बड़े हो गए हैं। कुछ भी करने से पहले क्या तुम सोच नहीं सकते कि आगे क्या होगा? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? क्या करते अभी हम? मैं सच में ठीक हूँ। सुनो कितना तेज है। हो गई है। तुम सच में ठीक तो हो ना शिंची? मेरा दिल स्विमिंग की वजह से तेज नहीं, तुम्हारी वजह से बज रहा है। तुम्हें सच में नहीं पता क्या, जब हमें कोई पसंद होता है दिल तेज धड़कने लगता है। ये तो अभी और भी तेज धड़क रहा है। हाँ, पर काफी जोर से आवाज आ रही है। हाँ, जोर से है काफी। ब्यूटीफुल लेडीज, इन्हें देखना बंद करो। आई एम सॉरी, आपका चलने दीजिए, ये तो मेरी रिंगटोन थी। सॉरी सॉरी। इतनी जल्दी चलो भी यहाँ से, को देखना है। जल्दी चलो, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उनसे। ऐसा कुछ नहीं है।
तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने शानशान को छोड़ दिया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। बहुत तेज स्विम कर लिया था इसलिए थोड़ा डिजी लग रहा है। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बस थोड़ी देर। हाँ बस थोड़ी देर। शुक्रिया। तुम क्यों दवाई ले रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरा हार्ट भी आयरन मैन की तरह है, बीच बीच में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो डैडी कह रहे थे हार्ट की बीमारी जेनेटिक है, क्या ये मुझे तुमसे मिली है? मुझे माफ कर देना शानशान। मुझसे माफी मत मांगो, मिनहुई ने कहा ये डिसीज हम दोनों के बीच में कॉमन है, जो चीज हम दोनों को सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। शानशान जरा यहाँ पर आओ प्लीज। आया। आराम से भाई। देखो ये जिप ओपन करनी है, हो गई? नहीं निकल रहा है। मैं यहाँ से पकड़ती हूँ फिर तुम करना, थोड़ा जोर से खींचना ताकि वो निकल जाए। नहीं निकल रहा, अभी भी ये नीचे नहीं आ रहा है। देखो ना थोड़ा ट्राई करो। मदद की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ शानशान ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। चलो चलो जल्दी से कर दो इसे। क्या हुआ? मम्मी की जिप फंस गई है। कुछ नहीं हुआ। अरे मैं देखता हूँ ना। नहीं ठीक है मैं कर लूँगी। कोई बात नहीं आओ। अटक गया है। ये बुरी बात है, उधर देखो। तुम चेंज कर सकती हो, चलो चलो। पापा मेरी शूज वहां पर है। जो लास्ट टाइम हमारी आरएनडी के बारे में बात हुई थी उसका प्रपोजल तुम्हें और मिस्टर ही को भेजा है। मुझे तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें भेजने से पहले लीगल टीम को भी दिखा दूं, वैसे भी कंपनी पहले आती है। समझ गए, ठीक है। हाँ इसे देखो, ये क्या है? मेरी फ्रेंड ने डेटिंग वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे प्रीमियम मेंबर्स है। ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों। क्या इतनी शॉक्ड क्यों हो? वैसे भी क्या करने वाली हो तुम? और सबसे जरूरी बात, ऐसी वेबसाइट्स पे कंपटीशन टफ होती है, उसे उसके यूजर्स वहाँ पे चाहिए, तो हमें डेट पे जाने के लिए किसी को ढूंढना है। तो ये मैच मेकिंग का ऐप है? मैच मेकिंग नहीं है। तुम सिंगल हो ना? हाँ मैं भी सिंगल हूँ। हो क्या फिर, अगर हमें कोई मिलता है तो हम रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। मैच मेकिंग नहीं है ये। मुझे नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया। कामू, अरे मेरी प्यारी दोस्त, आई एम सो सॉरी। उन्हें भी एक चांस दो और खुद को भी एक चांस दो। मैं तुम्हें शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ तो तुम डर क्यों रही हो? कोई मिला नहीं तो भी नुकसान भी क्या है? देखो देखो इसे, 190 सेंटीमीटर, थोड़ी ज्यादा ही है। दूसरा देखते हैं। चामू के सामने मेरा तो मजाक बन के रह गया, अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी तरकीब भी कुछ खास काम नहीं आई, मिनहुई ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं कितना भी तेज स्विम कर लूं। वैसे अच्छा है वो मिस काओ की तरह यूज़लेस तो नहीं है। चामू बेवकूफ नहीं है समझे, वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे ज्यादा ध्यान देती है, मिनहुई की तरह नहीं, वो तो एक टॉमबॉय जैसी है समझे। मिनहुई टॉमबॉय नहीं है, बस तुमने अभी तक उसका मुलायम साइड देखा नहीं है। तुमने भी तो चामू को अभी बेवकूफ कहा, तुम मिनहुई को कुछ भी कहोगे क्या? हम दोनों बुरी तरह फंसे पड़े हैं। शिंची, शिंची, मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ,
कामू से संबंधित मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ये चाउमू वाली नहीं है, ये आइडिया मेरी है। इस बार उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें फेवरेबल पोजीशन में आना होगा। मिनहोई तो मुझे अपने घर में भी आने नहीं देती, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारे पास इनसाइड एजेंट है ना, अगर मिनहुई ने तुम्हें अलाउड नहीं किया तो चौंचौन तो है, फिर तुम उनके साथ रह सकते हो। मिनहुई तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, इस तरह से तुम उसे रोज देख सकते हो और मना सकते हो। मेरा और चाउमू का वैसा नहीं है। क्या परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाड़ी के मुताबिक जब भी मैं उसके पीछे जाता हूँ तब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता हूँ, और अब तुम कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती उसके घर में घुस जाऊं? मैं आखिरी बार तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूं। हाँ ठीक है, ये पक्का काम करेगा। चीयर्स। तुम इतने देर से क्यों आई हो? अरे यार शिनजी, तुम वापस यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि मैंने आज से यहीं रहने का प्लान किया है। क्या कह रहे हो? कि मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। जरा फिर से बोलो। मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे तुम? तुम यहाँ फिर से रहने के लिए आना चाहते हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिन शानशान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर मैं घर में नहीं होती हूँ तो किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। ये जो भेड़िया जैसे होते हैं ना, उन्हें अंदर नहीं लेते। शिनची एक आदमी है, लोमड़ी नहीं है। क्या यही सवाल पूछने के लिए तुमने मुझे नींद से जगाया है? हमारी टीचर हमें कहती है, अगर हम अच्छे से नहीं सोएंगे तो बड़े नहीं होंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें बुढ़ापे में मैं कैसे संभालूंगा? चलो सीधे सो जाओ। सिर्फ शानशान के वास्ते आज मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहूंगी, पर अगली बार मैं तुम्हें इतने आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर का पाइप फट चुका है, पूरी तरह भीग चुका था मैं, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। सच में? हाँ। फिर देखते हैं। मैंने तो ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है। हेलो मिसमीन, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाड़ी, सच बताना, क्या शिनची के पूरे घर में पानी भर गया है? हाँ, बाथरूम और किचन में भी पानी भर गया है, और पानी का पाइप भी फूट गया है। घर में रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या? जरा वीडियो कॉल करके दिखाओ। वीडियो कॉल? क्यों नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तुम्हें वीडियो कॉल क्यों करना है? सुनो मेरी बात। हाँ फिर ठीक है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी की थी। देखा, मैंने झूठ नहीं कहा तुमसे। जो भी हो, भले ही तुम्हारे घर में कितना भी पानी भर गया हो, पर तुम यहां हमारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, इसलिए अभी जाओ और शानशान को सोने दो। मुझे तो पापा के साथ रहना है, पापा के बिना बेटा मतलब एक बेकार खिलौना। मिन शानशान, अगर तुम्हें इतनी ही एक्टिंग करनी है तो अगली बार थोड़े से आंसू निकालना, मतलब वो क्या है ना, थोड़ा रियल लगेगा। डिवोर्स पेरेंट्स के साथ रहना कितना बुरा है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के बिना अधूरा है, वैसे एक पिता भी अपने बच्चे के बिना अधूरा है। तुम हम दोनों को एक दूसरे से कैसे जुदा कर सकती हो ऐसे? शिनची, तुम अभी बड़े हो गए हो, तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों के बीच में ये सब क्यों हो रहा है, मतलब तुम और क्या चाहते हो अभी? मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो,
लेकिन हर कोई इंसान गलती कर सकता है और उसे गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। पर मैंने जब 5 साल पहले गलती की थी, तुमने भी कहा चांस दिया था। फिर तुम उनके साथ रह सकते हो, मिनहुई तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से तुम उसे रोज देख सकते हो और मना सकते हो। मैं जानता हूं ये सारी मेरी ही गलती है, इसलिए मैं भरपाई करने को तैयार हूं। तुम चाहे उतना टॉर्चर कर सकती हो मुझे, जैसे भी चाहो, ठीक है? तो क्या तुम यहां से नहीं जा रहे हो? हाँ। फाइनल है? बिल्कुल। तो तुम इसके साथ ही सोना, मैं जा रही हूं। तुम कहां जा रही हो? तुम नहीं जा रहे उसके पीछे? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर उसने मुझे वहीं भगा दिया तो? इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, मैं उसके पीछे पीछे बाहर जाऊंगा और फिर वो फट से मेरे पीछे से अंदर आ जाएगी और मुझे बाहर रख के धाम से दरवाजा बंद कर लेगी। मैं तो बाहर ही रह जाऊंगा ना। तुम भी ना, अब मुझे तुम्हारी भी चिंता करनी पड़ेगी, मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो इस बूढ़े आदमी से मैं पूछता हूँ, इतनी रात को मिनहुई कहाँ कहाँ जा सकती है? वो बाहर जा सकती है, या फिर गॉड मदर के यहाँ, या फिर जो डैडी के यहाँ। जू पापा के घर? वो कैसे जू पापा के घर जा सकती है? जो डैडी मम्मी का बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ जाना तो नॉर्मल है। रुक 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 रुक, तू यहाँ अपने आप से खेल, मैं आता हूँ अभी। शायद वो घर में नहीं है, फिर तो मिनहुई यहां हो नहीं सकती। है, तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? हाँ। क्या? पर्सनल है, अंदर बात करते हैं। तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, यही से बात करो। यहां पर प्राइवेसी की थोड़ी कमी है, मुझे अंदर ही आके बात करना। कल बात करते हैं। मिनहुई का एक सीक्रेट सुनना नहीं चाहोगे तुम? नहीं, अगर ये मिनहुई का कोई सीक्रेट है तो मैं उससे सुनूंगा, किसी और से क्यों सुनूं? बाय बाय। मेरा कहना खत्म नहीं हुआ अभी, तुमने इतने सेक्सी पजामास क्यों पहने हैं? ये इतना स्ट्रेंज क्यों एक्ट कर रहा है? जरूर कुछ छुपा रहा है। अगर शिनची ने ये देख लिया तो वो जरूर मुझ पर हंसेगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है? तुम सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो एक बड़े पेड़ की जैसी है, लेकिन उस पेड़ के अंदर ना एक छोटा सा कीड़ा है। भले ही तुम इसे कितना भी इग्नोर करना चाहो, पर ये छोटा सा कीड़ा कुछ ना कुछ करके एक बड़ा सा पेड़ बनकर सामने आ ही जाता है, और फिर वो पेड़ सडनली एक दिन गिर जाता है। बस इतना ही? हाँ इतना ही। शेन जियाजुन और मेरा भी ऐसा ही है, हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। झगड़ों से प्यार बढ़ता है, लेकिन उसे तकलीफ भी बहुत होती है। और जरूरी बात, उसे नहीं पता मुझे कैसे मनाना है। गुस्सा आ रहा है मुझे। एग्जैक्टली, शिनची को भी ये बिल्कुल नहीं पता। हाँ कामू, अगर ये प्यार जो है ना कोडिंग के जैसे ही इजी होता तो सिर्फ कंप्यूटर में प्रोग्राम डालो और फिर नॉर्मली सब कुछ अपने आप रन हो जाएगा। इसे याद आया, मुझे थोड़ा काम करना है। हाँ सच में तुमने सारा पार्टी का मजा खराब कर दिया, तुम अभी काम कैसे कर सकती हो? काम करके ही तो मुझे अच्छा महसूस होता है। मतलब जब मैं काम करती हूँ तब मैं बाकी की सारी चीजें उस वक्त सब भूल जाती हूँ। ये तुम मेरे साथ बहुत बुरा कर रही हो। फाइनली मुझे टाइम मिला है तुमसे बात करने का और तुम्हें काम करना है। और कोई सलूशन है तुम्हारे पास?
ब्लाइंड डेट पे जाओ, हमें मूव ऑन करना है तो बेस्ट तरीका है, हमें नई रिलेशनशिप में जाना चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना तुम्हें डेटिंग वेबसाइट के बारे में। अरे नहीं यार कामू, तुम कुछ भी बोलती हो, ऐसा लगेगा मैं उनका यूज कर रही हूँ, गलत बात है ये। तो फिर बताओ क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो तुम? हाँ, तो फिर उसको अपने दिल का दरवाजा तोड़कर अंदर आने दो और फिर उससे इतना प्यार करो कि खुद को उसके हवाले कर दो। हाँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लो इसे लो, जाओगी या नहीं जाओगी यही सवाल बचता है, खत्म करो। गुड मॉर्निंग मिस मीन। मिस मीन हुई। शानचंद, तुम्हारी पूरी रात राह देख रहा था, कहाँ गई थी तुम? तुमने फोन भी नहीं उठाया मेरे। मैं कहीं नहीं गई थी। हाँ वो तो दिख रहा है, तुमने तो कपड़े भी नहीं बदले। तुम तो घर के अगल बगल में थी, और अगर अगल बगल में थी तो आकर कपड़े चेंज क्यों नहीं किया आप? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। निन हुए, तुम एक औरत हो, याद है ना तुम्हें? किसी दूसरे मर्द के घर कैसे रह सकती हो तुम? उसे तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? मैं तुम्हारे बच्चे का पापा हूँ। हाँ तो तुम चैन के पापा हो, मेरे नहीं। और पापा हो गए हो तो क्या, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। तो क्या हुआ, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। शिंची तुम बहुत परेशान करती हो, चली जाओ। सुन रही हूँ, मुझे अगली बार। शिंची जल्दी आ गए तुम? हाँ। इंस्पेक्शन करने वाले हो? तुम्हारा फोन मेरे घर भूल गई थी। ओ थैंक गॉड, मैं कब से इसे देख रही थी। तो ये तुम्हारे घर थी कल रात? और कहाँ होगी वो, उसके घर पे किसी ने कब्जा किया है तो मुझे तो उसको रहने देना ही था। छोड़ो उसे, कुछ नहीं है। मैं चलती हूँ फिर, मुझे काम है। हाँ 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 ठीक है, माफ करना मुझे, तुम्हें गलत समझ लिया मैंने। अगर आज तुम नहीं गए तो फिर ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग से भी आगे बढ़ जाएगी। ऐसे मत करो। जब तक तुम वहाँ पर हो मैं वहाँ नहीं आऊंगी, समझ रहे हो तुम? बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे काम करना है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुना है कि AI समिट के दौरान मिस्टर शी ने यह एडमिट किया है कि वो मिस मीन के बेटे के पापा है, और उन दोनों की कभी शादी ही नहीं हुई है, और वो तो हमेशा एक साथ ही दिखते हैं। पता नहीं वो किस तरह की रिलेशनशिप में है। मुझे लगता है वो पहले से ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन मिस्टर शी ने शादी के लिए मना किया। प्रेग्नेंट होने के बाद मिस मीन ने शादी के लिए फोर्स किया, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और उन्हें उस बच्चे को पालना पड़ा। ये तो बिल्कुल पुरानी सोच है ना। मिस मीन ने शायद मिस्टर शिन के साथ बच्चे के बाद ब्रेकअप किया होगा। मैं बताती हूँ ना, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें सिर्फ बच्चे चाहिए और आदमी बिल्कुल नहीं। मैं तो मिस मीन के साथ शादी करने वाला ही हूँ। मिस्टर शिन, मिस्टर शिन, मिस्टर शिन, हम अब जो कि मैं मिस मीन से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? मुझे बता देना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। मिस मीन, चलो काम पे जाना। मिस्टर शीन, जेंटलमैन अपने काम के लिए कभी किसी और को इस्तेमाल नहीं करते, बेहतर होगा आप ये सब करना बंद करिए। हाँ देख लेंगे बेतुकी वाली बातें है या नहीं, हमारे पास काफी टाइम है। मिस्टर शिन, आई एम सॉरी, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये ब्लाइंड डेट्स पे जा रही है। हाँ? मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। तुम्हें इस इशू को सॉल्व करना है ना? सही कहा उसने। तुम ऐसे फालतू की बकवास मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, चलता हूँ। ये कितना एरोगेंस है इसमें। कामू, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। सच में? हाँ तुम्हारे लिए कोई ढूंढती हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? जो मुझसे 6 साल बड़ा हो, स्विमिंग आती हो और यंग हो। कम इन। मिस चाओ, मिस मीन, ये मेरा जॉब ट्रांसफर फॉर्म है, मुझे आपकी साइन चाहिए। कोई बात नहीं, एक साथ काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगी।
अगर मदद करनी थी तो उसे पहले क्यों नहीं ट्रांसफर किया? अगर मैं उसे इससे पहले ट्रांसफर करती तो फिर वो मिस्टर डीन के साथ कैसे फाइट करती? लेकिन अब वो सब कुछ सीख गई है, इसलिए इस बार थोड़ा अलग है। मिस मी, तो तुम उसको खुद की रक्षा करना सिखा रही हो? हाँ, लेकिन खुद के अलावा उसे और कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? मिस याओ, आपका इधर रोज आना जाना है। हाँ, डॉक्टर जो और आपका कैसा चल रहा है? मेरी कोई मदद चाहिए? कोई बात नहीं, शायद ये मेरा आखिरी टाइम है यहाँ पर। हाँ, तुम गिव अप कर रही हो, पर क्यों? डॉक्टर यांग, जब तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए बेस्ट ही चाहोगे ना? हाँ, तो तुम अब क्या करने वाली हो? वो सीक्रेट है। डॉक्टर जो, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? खाना ऑर्डर करना था और मेरे फोन की बैटरी डाउन है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेड नंबर 25 वाला जो पेशेंट है वो इमोशनली अनस्टेबल है। हाँ, ठीक है। जोरू जी का मैसेज आया है। सैटरडे को 6 बजे तुम डिनर के लिए आ सकती हो? ओह मिस मी, तुम कितने बिजी हो। मैं भी काम पे चलती हूँ। बाय बाय। हाँ ठीक है, उन पर ध्यान रखो और टाइम पर उनको मेडिसिन दे दो। हो गया, ये लो। हम सैटरडे को 6 बजे डिनर पे चले? इस सैटरडे तुम्हारी छुट्टी है ना, मत बोलो, पहले ही बुक कर दिया है। चलो अब मैं निकलती हूँ। और कुछ बात नहीं करनी क्या? सुनो, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गलत है? इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। उसे ज्यादा परेशान मत करो, वो अच्छी लड़की है, उसके बारे में भी सोचो। अगर उसने थक के गिव अप कर दिया ना तो बहुत पछताओगे तुम। मैंने उसको इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, इतना ज्यादा भी मत करो वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो चली जाएगी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। कब इग्नोर किया? छोड़ो, शिंशी, और कोई प्लान है? ये देखो, तुम बहुत अमीर हो पर मिनहुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी तो इतना हैंडसम हूं पर चाओमू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी लड़कियों को मनाना मुश्किल है जिनको अच्छा दिखने से और पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ गलत कहा है। हुँ? तुम तो इतने अमीर हो, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या गलत है? क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ अमीर ही हूँ यहाँ पर? मैं ना सिर्फ अमीर हूँ लेकिन हैंडसम भी हूँ, और तो और टैलेंटेड और प्यारा भी हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया। कुछ भी कहना, क्या चाहते हो? मतलब उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, उसे सिंपल रहना पसंद है। उसे ऐसा कोई पसंद नहीं आएगा जो तुम्हारे जैसा नार्सिसिस्ट हो। तेरी तो मैं भी। मिनहुई, शिनची, शानचन, मिस कर रहे हो मुझे? हाँ, पर मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। क्या है? ऐसा लग रहा है उन दोनों को कुछ तो हुआ है।